हेलो हेलो हेलो, तो मेरा नाम है युवराज और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज अभी हम हैं SRCC में। हम इस वीडियो में कवर करेंगे SRCC, KMC, हिंदू। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि देखो यार, लास्ट 20 डेज तो बचे हैं CUT के लिए, तो यार क्या ऐसी टिप होगी, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी होगी जो SR के, हिंदू के, KMC के बच्चों ने फॉलो की होगी लास्ट 20 डेज पे। तो यार वीडियो को फुल देखना और स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइस, मेरा नाम युवराज है, मैं ड्यूबड़ी से हूँ, ठीक है। सो पहले एक एक करके नाम बताओ। अविनाश। हाँ। रान्या। खुशी। खुशी, ओके। सो बेसिकली अभी हम SRCC में हैं, तो यार पहले तुम लोग अपना कोर्स बता दो और इफ कंफर्टेबल CUT स्कोर बता दो। बीकॉम ऑनर्स। या सो माय CUT स्कोर वाज 785.5। 785.5 में ये लोग बता नहीं रहे थे, तुम बताना यार। 788। ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। यार देखो, बेसिकली ये वीडियो हमारी इस मतलब इस टॉपिक के ऊपर बन रही है कि सिर्फ 20 दिन बचे हैं जो हमारे CUT एस्पिरेंट्स आने वाले, उनको 20 दिन बचे हैं CUT एग्ज़ाम्स के लिए। सो अगर हम बात करेंगे तुम लोगों के जब 20 दिन बचे थे CUT के दे रहे टाइम, जब अपन CUT दे रहे थे, जब तुम लोग के 20 दिन बचे थे, सो तुम लोगों ने कैसे प्रिपरेशन की थी, और अभी यही बता दो कि प्रिपरेशन कैसे की थी। बेसिकली मैंने 12th का ही सारा रिवाइज करा था। आई अप्लाई टू एन इंस्टीट्यूशन फॉर लाइक जनरल टेस्ट, बट लाइक फॉर श्योर इट डिडेंट हेल्प। सो आई मीन इफ यू वॉन्ट टू गिव जनरल टेस्ट देन लाइक गो फॉर इट, बट इफ यू रियली डोंट वॉन्ट टू लाइक हैव एन ऑनर्स कोर्स देन डोंट रियली गो फॉर इट। अदरवाइज आई थिंक इट वॉज लाइक बेसिकली एज खुशी सेड, बेसिकली लाइक the 12th syllabus jot down, just like go through NCERT and all. To be very honest, I agree with both of them. Like the papers was actually very easy, and if you have actually studied for like you know your CBSE, then I feel like you are like more than enough. It's more than enough, right, to crack your CVT. Plus like if you practice mock test, then it's like absolutely more than enough. Then you're gonna crack it for sure. Or CUT exam utne tough bhi nahi hote hain as compared to other exams, like competitive easier. Exams. It's like almost like maybe even easier than boards, you can say. Bahut easy, boards se bhi easy hote hain. Upar se like MCQ hota hai, so like it's if you know it, you know it. If you don't, you don't. Okay. So mujhe ek cheez batao ki agar koi CUT aspirant ye video dekh raha hai, so what can be that one tip jo wo use kar sakta hai for the last 20 days? Sample papers. I think just don't waste your time thinking ki we'll wake up late and then like do it after like in the afternoon and all. Just like start from the morning, and I think 4 to 5 hours daily is enough. In the last 20 days, I think 6 hours a day is enough. And focus on English as well, because English ka paper ka pattern last year bilkul change ho gaya tha last moment pe. So grammar ke saath saath usme bhi passages wagera mein bhi focus karna, aur uske alawa kya hai to kuch nahi. To be honest, English ka exam bahut zyada easy tha. मेरे को तो बहुत ज़्यादा इजी लगा था मेरे एक्चुअली। मैं आपको बताता हूँ, मेरे सारे एग्जाम्स CVT में आधे घंटे में हो गए थे सारे। सब लाइक एक्चुअली वेरी टेंस कि मतलब सही हुआ है या गलत हुआ है, बट लाइक लास्ट में पता चला कि मतलब सही था सब, राइट। सो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आता है ना तो आता ही है। गाइस तुम लोगों को फोकस ऑन जनरल टेस्ट एज वेल, भाई जैसे इंग्लिश में फोकस करना है वैसे जनरल टेस्ट में फोकस करो भाई। चलो ठीक है। सो हाय गाइस, मेरा नाम युवराज है, और यार तुम सब जानते हो कि चंद्र हमारे पहले भी वीडियोज में आ चुका है। चंद्र हिंदू से है, भाई एक बार तुम अपना नाम बता देना। तो गाइस, मेरा नाम अभिष पंकज है और मैं हिंदू कॉलेज से हूँ, फर्स्ट ईयर। ओके, तो यार मेरा एक नॉर्मल से क्वेश्चन है, देखो यार कि अभी क्या है, सिर्फ 20 दिन बचे हैं CUT को होने में, तो जो CUT एस्पिरेंट्स है, तुम लोग जैसे एज अ हिंदू स्टूडेंट, तुम लोगों ने इतना अच्छा कॉलेज ऑप्ट किया, सब किया, मेहनत की हर चीज़ ही, तभी हिंदू में आए हो, तो यार तुम लोग ऐसी क्या एक टिप दोगे? टिप चलो पहले अभी तुम लोग की स्ट्रेटजी क्या थी, पहले हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि लास्ट 20 डेज में तुम लोग की स्ट्रेटजी क्या थी, एक बार वो बता दो, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो एक बार स्ट्रेटजी बताओ। मैं बोलूँगा कि अगर आपको लास्ट 20 डेज में कुछ सोचना है तो तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज मेरा सिलेबस नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट था, और अभी तक मैंने 4-5 रिविजन्स कर लिए थे अपने सिलेबस के थोरली। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बस मैं मॉक्स बना रहा था जिसमें मेरा डिसेंट स्कोर आ रहा था, और जो क्वेश्चन नहीं मेरे को समझ में आ रहे थे मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा था और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा था उस तरीके के क्वेश्चन पर्टिकुलरली। इकोनॉमिक्स वगैरह में मेरे को 200 आया इकोनॉमिक्स में, और इंग्लिश में मेरे को 188 आया था। तो इकोनॉमिक्स में मेरा न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा वीक था, तो मैंने न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा कम प्रायोरिटी देकर मैंने थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दिया, और मैंने ये ट्राई किया कि मैं न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस को डॉज करूँ। एंड इंग्लिश में तो मैंने अच्छे से पढ़ा था, ऑल्दो मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर था, जैसे मेरे को बोर्ड में 91 ही आया था इंग्लिश में, बट फिर भी मैंने इंग्लिश में अच्छा ट्राई किया, अच्छे से पढ़ा, कुछ बुक्स थी उन्हें पढ़ा हुआ, फिर वो बस निकल गया अच्छे से। तो अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स की जैसे तुमने पढ़ाई की थी थ्योरी बस के लिए, तो जब CUET तुम दे रहे थे, तो जब CUET का इकोनॉमिक्स का पेपर था वो कैसा आया था, वो थ्योरी बेस्ड आया था कि न्यूमेरिकल बेस्ड आया था?
जैसे CUET में हमारा जो पेपर आया था वो 70% थ्योरी था और 30% न्यूमेरिकल्स था, जिसमें कि 10% जो न्यूमेरिकल्स थे वो थोड़े टफ थे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 10% आप डॉज कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को छोड़ दो और जो इजी वाले वो बनाओ। ईगो मार्क्स के लिए नहीं जाना है, ईगो में नहीं रहे कि हमें ऑप्ट करना है क्वेश्चंस को, अच्छे से जो बेस्ट है, बिकॉज 40 का ऑप्शन है ना हमारे पास उत्ती में, तो वो बेस्ट 40 को अटेम्प्ट करो, दैट विल बी द बेस्ट। चंद्र अब तुम बता दो यार, तुमने कैसी प्रिपरेशन की थी अपने लास्ट 20 डेज पे? देखो यार, अगर तुम पहले से अपना जो बोर्ड्स के साथ साथ अगर CUET का प्रिपरेशन रखोगे तो सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको लास्ट 20 डेज़ के बारे में सोचने के लिए। अच्छा, बट अगर 20 डेज़ है आपके लिए तो वो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो NCERT है ना उसको लाइन बाय लाइन पढ़े, जो फैक्ट बेस्ड चीज़ है उसको अच्छे से पढ़े। जैसे अब मेरा इकोनॉमिक्स था, मेरा इकोनॉमिक्स में 194 मार्क्स थे और इंग्लिश में मेरे 188 मार्क्स थे। अच्छा, तो एक बार इंग्लिश के लिए कुछ बताना। इंग्लिश में ये है कि हमारा जैसे टेंसेस हो गया, ऑब्जेक्टिव, ग्रामर, इन सब चीज़ में हमें अच्छे से फोकस करना है और कॉन्सेप्ट पे जाओ, मेन चीज़ ये है, और प्रैक्टिस मॉक बहुत करो। मॉक मतलब मॉक टेस्ट वगैरह है ना, मॉक टेस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि अगर लास्ट डेज चल रहे हैं CUET के तो तुम मॉक ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्ज़ाम वगैरह जब टाइम में बैठोगे तो तुम्हारी पहले से अगर तुम्हें एक्सपीरियंस होगा हर चीज़ का तो तुम इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन, तुम लोग कोई भी ऐसी टिप दो कि जो भी CUET एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए कौन सी एक बहुत अच्छी सी टिप होगी, कोई भी टिप। कॉन्सेप्ट पे जाओ, मैं तो यही बोलूँगा भाई, तुम देना कॉन्सेप्ट पे जाओ गाइस, और इकोनॉमिक्स के लिए खास करके NCERT तो गलती से ही मत पढ़ लेना, ओरी पढ़ो, VR Jain ठीक है ओरी पढ़ो, और भी बारी संदीप गर्ग है वो पढ़ लो, बट NCERT मत पढ़ना, उसमें तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। और एक और बात, हो सकता है कि तुमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हो मगर रिवीजन को बिल्कुल भी मत नज़रअंदाज करना, रिवीजन करते रहना, अगर लगे कि कुछ छूट रहा है दिमाग से रिवाइज करते रहो टिल द एंड मोमेंट, और एग्जाम के एक रात पहले पूरी रात पढ़ाई मत करना, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अब जो होगा एग्जाम जाके देना, क्योंकि इसके कारण मेरा एक इंग्लिश में एक बहुत फालतू मिस्टेक हुआ था, तो एग्जाम की एक रात पहले अच्छे से स्लीप लेना और उसके बाद जाके एग्जाम देना। अच्छा, इंग्लिश में क्या मिस्टेक हुई थी इससे तो एक बार? अगर इंग्लिश में पैंडेमिक वर्ड था और वो था पैंडेमिक वर्ड का मीनिंग क्या है, और मैंने ABCD में मैं ऐसा कंफ्यूज कर गया कि मैंने मतलब पैंडेमिक का मेरे को मीनिंग पता था, बट मैंने उसमें मार्क कर दिया एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाई पंडल एसोसिएशन, तो उससे मेरा 6 मार्क्स ऐसे ही चला गया, ये बहुत बहुत दुख हुआ मेरे को, इससे 6 मार्क्स भी चला गया और माइनस मार्किंग भी हो गई, तो ये थोड़ा बुरा लगा मेरे को, तो ये नहीं हो, इसलिए आप लोग एक रात पहले ट्राई करना कि अच्छी नींद ले जाओ ताकि दिमाग स्टेबल रहे। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। तो यार हेलो, मेरा नाम युवराज है, मैं हम DU BD से हैं। तो यार एक एक करके पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम शिवेन है। शिवेन। मेरा नाम सक्षम है। सक्षम। मेरा नाम शिवेश है। शिवेश। यार बढ़िया बढ़िया। तो यार एक एक करके कोर्स बता दो और तुम लोग का CUET स्कोर क्या था वो पहले बताओ। मैं अभी BCom ऑनर्स हूँ और मेरा स्कोर था 760। मेरा हुआ था ECA से एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज कोटा, दैट इज डिबेट से हुआ था मेरा, डिबेट इंग्लिश। अच्छा, तो माई कोर्स इज BCom प्रोग्राम, माई नॉर्मलाइज स्कोर वॉज 764। मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 768.8 था और मेरा भी जनरल कैटेगरी ऐसी हो मेरिट से। तो यार देखो, बेसिकली ये वीडियो इसलिए बन रही है, मैं सच बताऊँ, क्या है कि 20 दिन बचे हैं CUET होने को, तो जो हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं CUET के, तो उन वो एक बस तुम लोग को ये बताना है कि तुम लोग की लास्ट 20 दिन बचे हैं, तो लास्ट 20 डेज में कोई भी अगर CUET एस्पिरेंट होगा वो कैसे प्रिपरेशन करे और क्या क्या करे, तो एक एक करके जैसे तुम लोग एक्सपीरियंस ही बता दो कि मैंने लास्ट 20 डेज में क्या किया, कुछ भी बता दो। तो मैंने प्रिपरेशन के लिए मतलब मेन NCERT जो बुक्स थी उस पर पूरा फोकस रखा था, जो +2 में पढ़ा है मोस्टली वही है, जो डिलीटेड सिलेबस है वो फोकस किया मेन, और यही है हर कुछ आपको हर मतलब एक ना चॉइसेस तो मिलनी है, MCQ क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल नहीं लगता, हो जाएगा, इजी है। तो और द मंत्र फॉर क्रैकिंग CUET इज मॉक पेपर करते रहो, उसको रिव्यू करते रहो, हो जाएगा आपका, बस मॉक पेपर है ना, क्योंकि +2 का सिलेबस है तो ब्याह हो ही जाता है। तो देर आर टू थिंग्स आई कैन डू, फर्स्ट अगर आप पढ़ाई में अच्छा है, जैसे हमारा भी थोड़ा अच्छा ही था पढ़ाई में, तो स्टिक टू NCERT, रीड बिटवीन द लाइंस, बट अंडरस्टैंड दैट देयर एग्जिस्ट्स अ लॉट ऑफ कंपटीशन, सो व्हाट यू कैन डू इज ट्राई डिफरेंट एवेन्यूज। तो यार ले रहो, बस एक लास्ट ही बता दो कि ऐसी कोई टिप बता दो, मतलब कोई सी भी टिप, नॉर्मल सी टिप कि ये कर लो तो बेंचो निकल जाएगा, जैसे सक्षम ने बोला कि मॉक पेपर्स लगाओ, तू बताना भाई। जैसे इसने मॉक पेपर का टेस्ट पेपर्स कर लो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई ट्यूशन वगैरह जो सिर्फ MCQ उसके जैसे टेस्ट देते दे, मैंने हिटबॉल ऐसे किया था, वो 25-30 कर लो, उसी में हो जाता है, बढ़िया हो जाएगा। तू बता भाई। हाँ मतलब मेरे को लगता है NCERT थोड़ा इग्नोर कर देते हैं लोग गाइड बुक्स में जाने के चक्कर में, तो NCERT का जो बैक क्वेश्चन आंसर्स है उस पर भी मतलब इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइंस उसके अंदर बहुत कुछ कुछ मिल जाता है जो बहुत मतलब आ जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CUET का उससे तो देखने बहुत मिलता है। अच्छा, एट द एंड बस ये बता दो कि KMC मिल के खुश हो कि और कुछ मन में था कि हिंदू मिल जाता, SR मिल जाता, खुश हो KMC से? मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा दुख होता है कि हंसराज मिल जाता, हिंदू मिल जाता, पर इधर आके इधर का क्राउड देख के बहुत सही लग रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं इधर, तो सही है। सही है, तू बताइए भाई। भाई देखो, श्रीराम तो सबका मेन होता ही है, अब नहीं मिला
अब ये भी कोई माड़ी चीज़ नहीं है, तो हम इसके लिए भी मैं भी खुश हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात भाई। अब KMC भी छोटा कॉलेज थोड़ी है यार, मतलब पहले ऐसा भी था कि श्रीराम का दुखता खाली, बट अब आने के बाद ऐसा लगता है हम लोग बहुत अच्छे, मतलब थोड़ा सा हाइप्स है बाकी कॉलेज का, मतलब बहुत, मतलब आई एम टोटली सैटिस्फाइड विद KMC टचवुड। सो यार चलो ठीक है यार, फक है यार वीडियो का यार। तो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो, प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो उस दोस्त को जिसे इसकी बहुत जरूरत हो, और यार इसी तरह कंटेंट अगर तुम्हें चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार हम सब मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तो यार बस एक ही हमारी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, बाय। हमें बता सकते हैं क्या कि CUT के लिए सबसे अच्छा मंत्र क्या होगा? CUT का एक टिप दे दीजिए सर। सर 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 एक टिप एक टिप